सुबह जो समझा था उसको सारांश में लेकर फिर हम अवश्य आगे बढ़ेंगे। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। वचन समझने की बुद्धि प्रभु दे। आमेन, आमेन। वचन समझने की बुद्धि दे ताकि वचन ही है जो हमको स्थिर करेगा, वचन ही है जो हमको आगे लेकर चलेगा, और वचन ही है जो हड्डी हड्डी गुदे गुदे में अपनी जान और ताकत जरूर लेकर आएगा। इसलिए जीवन चमत्कार पर आधारित नहीं होना चाहिए, जीवन जो चमत्कार करता है उस पर आधारित होना चाहिए, तब कहाँ जाकर जीवन स्थिरता की ओर बढ़ता जाएगा। आइए प्रेरित के कार्य करते हैं और उसका 16वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16, प्रेरित का कार्य। तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा ये समझकर कि परमेश्वर ने उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमेन। जब प्रभु रोकता है तो जब रोकता है वो हमको समझना चाहिए, जब परमेश्वर रोकता है तो रुक जाना आवश्यक है। जबरदस्ती कभी मत करना। एक बात है, खुदा के साथ पंगा लेकर आज तक कोई नहीं जीता है ना कभी कोई जीतेगा। खुदा के साथ पंगा लेकर ना आज तक कोई जीता है ना कभी कोई जीतेगा। और परमेश्वर कहता है लड़ ले, कितने तेरे में ताकत है कर ले, मन मर्जी कितनी करनी है तू कर ले, आखिर तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा, आखिर तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। पौलुस से इच्छा की दो स्थानों पर जाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा ने उनको जाने न दिया। जब परमेश्वर रोकता है तो रुक जाना। सुबह मैंने कहा था, पहले दूरदर्शन टीवी था और अचानक सब कुछ गायब हो जाता था, पिक्चर गायब, म्यूजिक गायब, फिर एक लाइन आती थी, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है, संसार में रुकावट के लिए खेद है, प्रभु के राज्य में हर रुकावट के बाद परमेश्वर के राज्य का भेद है। लेकिन हमको रुकावटों को समझ लेना है, तभी कहीं बरकत और आशीष हमें प्रभु जरूर देगा। और उसको रात्रों को दर्शन में एक दूत ने बुलाया। ध्यान से सुनना, दूत काम नहीं करेगा, काम हमको और आपको ही करना है। दूत काम नहीं करेगा, काम हमको और आपको ही करना है। अब यहां तीन प्रकार के लोग रहते हैं, तीन प्रकार के लोग रहते हैं। एक है चुने हुए लोग, जो मार्ग दिखाएगा काम किधर हो जाएगा। बोलो चुने हुए लोग, चुने हुए लोग जो मार्ग दिखाएंगे किधर काम हो जाएगा। नामान के घर पर एक छोटी सी लड़की गुलाम बनाकर लेकर गए थे, वो इसराइल से थी, नामान कोढ़ी था, और उससे कहा हमारे देश यरूशलेम जाओगे, वहां का नबी तुम्हारे लिए दुआ करेगा, हमारा स्वामी चंगा हो जाएगा। चुने हुए लोग बताएंगे किधर काम हो जाएगा। तो नामान की पत्नी बहुत ही उदार थी। हम पति इसलिए टिक पाए हैं क्योंकि हमारी पत्नियां बहुत उदार है। भाई लोग जोर से ताली रे बजाएंगे, हालेलुया, आमेन। और उससे क्या की, भेंट चढ़ाने के लिए पहले घर से तैयारी करके दी, 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी उत्तम वस्त्र। वाह, आज की तारीख में 10 ग्राम सोना, विजय भाई कटलू की दू तुम्हें मैंने 75,000, 10 ग्राम सोना 75,000, 100 ग्राम 7.5 लाख रुपया, 1 किलो 75 लाख, 70 किलो देवा मी आलो। हा? 70 किलो देवा भी आलो। आई मीन आप हिसाब नहीं कर सकते, आप हिसाब कर नहीं सकते कि कितना नामान लेकर आया। और ध्यान से सुनो, जो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, पैसे के लिए सेवकाई नहीं करते, लेकिन सेवकाई करने को पैसे जरूर लगते। फ्री में सिर्फ उधार मिला है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी हर चीज की कीमत है। हालेलुया, हालेलुया।
350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी उत्तम वस्त्र, चुना हुआ सेवक मार्ग दिखा देगा किधर जाना है। और गेहासी घर से निकला, ध्यान से सुनना, भेंट की तैयारी घर से करके निकला तो क्या हो गया, भेंट चढ़ाने से पहले प्रभु ने नामान की प्रार्थना को सुन ली। अगर भेंट की तैयारी घर से करके आओगे, भेंट चढ़ाने से पहले ही प्रभु तुम्हारी दुआओं को सुन लेगा। लेकिन अफसोस, भेंट पात्र आता है तो हम ढूंढते कुटली काड़ू, हाँ भेंट पात्र आता है तब हम सोचते कौन सी निकालू। और कभी कभी भेंट पात्र में 10 की ऐसी नोट आ जाती है फटी और चिटकाई हुई कि गांधी जी के चश्मे भी नहीं दिखते, हाँ। और पास्टर साहब दुआ करते हैं जिन्होंने डाला उसको 10 गुना दे। तो क्या होता है, वो कंजूस को आते संडे से आते सैटरडे तक और 10 फटी हुई नोटी मिलती है। क्यों? जैसी करनी न माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, स्वर्ग भी है नरक भी है, न माने तो मर के देख, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ध्यान से सुन लेना, भेंट की तैयारी घर से करके आओगे, भेंट चढ़ाने से पहले प्रभु आपको बरकत से भर देगा। और कंजूस और खड़ूस कभी स्वर्ग में जा नहीं पाएगा, बजाओ ताली। कंजूस और खड़ूस कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, हा? कंजूस मारू छे मारू छे मारू छे, छातीए बांधी रखे है, छातीए बांधी रखे, सोना चांदी बद्दू छातीए बांधी रखे। अरे दोस्त, स्वर्ग में तो सोने के रास्ते है, जो छाती पे यहां बांध कर रखा है स्वर्ग में वो पांव तले कर दिया जाएगा। इसलिए कंजूस स्वर्ग में जा नहीं सकता। दूसरा खड़ूस, जो हां करके, हां कह रहे जिंदगी में हंसियो नहीं, केवा मानसो छे रे, अरे मसीह लोग कैसे होने चाहिए, आनंद से भरे हुए मसीह लोग कैसे होने चाहिए, हां। मुझे कभी कभी मसीह लोगों को देखकर लगता नहीं है मसीह है, पक्के मैयत मॉडल है। हालेलुया, आप इंडियन आइडल देखते हैं? अरे नरक में नहीं जाओ, इंडियन आइडल देखते हैं ना, इंडियन आइडल में नेहा कक्कर एवड़ी सी है छोटी, जब कोई बहुत अच्छा गाना गाता है नेहा कक्कर बोल देती है आपने मौसम बदल दिया, हम मसीह वो है जिधर भी जाए वहां का मौसम बदली कर दे। यीशु मसीह शादी में गया मौसम बदली कर दिया, मछली पकड़ने गया मौसम बदली कर दिया, दफन विधि के लिए गया मौसम बदली कर दिया, जिधर भी यीशु गया उसने मौसम को बदली कर दिया। हालेलुया हालेलुया। भेंट चढ़ाने से पहले नामान को चंगाई मिल गई, पहला सेवक, चुना हुआ सेवक जो मार्ग दिखाएगा कैसे काम होगा। नामान अपने घर से एक सेवक को लेकर गया, पहुंच गया इसराइल और वो चले गया राजा के पास चिट्ठी लेके। राजा ने बोला तू युद्ध करने और हम पर जासूसी करने की दृष्टि से आया है। उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए। हाँ, कितने जनों को लगता है कि परमेश्वर का सामर्थ बड़े लोगों के पास में है? क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर का सामर्थ हर साधारण लोगों के पास भी है। हालेलुया। एलिशा ने कहला भेजा, राजा तू टेंशन मत ले, माजा कड़े पाठो, मेरे पास उसको भेज दे, मेरे पास तू भेज दे। अभी नामान का दूसरा प्रॉब्लम, बोले रथ से उतरूंगा नहीं, रथ से उतरूंगा नहीं, एलिशा को मेरे पास भेज। बहुत जन ऐसा ही है, चर्च में आना नहीं चाहते, बोलते चर्च मेरे पास आए, नहीं थसे एविते, नहीं थसे, हमको चर्च में आना पड़ेगा और मंदिर से ही यीशु को लेकर जा सकते हैं। हालेलुया आमेन। आ तरफ अपना बेन लोगों ने हाथ न थी के ताड़ी वगैरह, इसको तुम्हें ताड़ी वगैरह बेनो, हाँ वेरी गुड। हाँ, यीशु मसीह ना भेड़ के लिए आया, भीड़ के लिए कभी नहीं आया। वो कुर्बान हुआ अपनी भेड़ों के लिए, तो भीड़ में मत रहना,
भेड़ बन जाना, तब जरूर वह चरवा बन जाएगा। हालेलुया, जरूर वह चरवा बन जाएगा। एलिशा बोला आजा, नामान पहुंच गया, बोले रथ से नहीं उतरूंगा। बहुत जन अपने रथ से उतरना नहीं चाहते, अपना नाम, अपना काम, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ना नहीं चाहते। तू जब तक नहीं छोड़ेगा तेरा काम नहीं होगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा, तुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी तेरा काम होगा। एलिशा ने कहा 7 बार यर्दन में डुबकी लगा ले। उसको लगा पानी में जादू है। दोस्त, तेल पानी में बिल्कुल जादू नहीं है, वो भ्रम है। यीशु मसीह के नाम में और आपके आज्ञा पालन में सारे चमत्कार छिपे हैं। यीशु मसीह के नाम में और आपके आज्ञा पालन में सारे चमत्कार छिपे हैं। तेल पानी में कोई चमत्कार नहीं छिपा है। हालेलुया। 7 बार बोले डुबकी लगा दे। नामान चिढ़ जाता है, बोले छट, मेरे देश में इससे उत्तम जलशाला है, मैं इधर क्यों? अरे दोस्त, यर्दन नदी से लेन देन नहीं है, तेरा चमत्कार आज्ञा पालन में है। हालेलुया। दूसरा सेवक जो नामान के साथ आया था, जब उससे देखा नामान चिढ़ गया, दूसरे सेवक ने कहा दोस्त यहां तक आए हैं, चल ना काम कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। नामान बोलता है गुस्से में हूं, गिनती नहीं आती है। नामान बोलता है गुस्से में हूं, गिनती नहीं आती है। तो सेवक बोलता मैं गिनता हूं, तू डुबकी लगा। हा? फिर आप लोग गाना गाते ना, डुबकी लगाई रे भैया डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे भैया डुबकी लगाई, है ना? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, 7 बार डुबकी लगाई। वाव, नामान का कोढ़ चले गया और उसकी चमड़ी शिशु बालक जैसी हो गई और नामान शुद्ध हो गया। नाउ यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? नामान शुद्ध हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। नामान शुद्ध हो गया लेकिन पवित्र नहीं हुआ। यीशु मसीह की कुर्बानी शुद्धता के लिए नहीं थी, यीशु मसीह की कुर्बानी पवित्रता के लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। पहला सेवक, चुना हुआ सेवक, मार दिखाएगा कैसे करना। दूसरा सेवक जो नामान के साथ आया था, चुनौती वाला सेवक, कैसे भी काम कर लेना। हालेलुया। अब जैसे 7 बार डुबकी लगाई, उसकी चमड़ी शिशु बालक जैसी हो गई और नामान कोढ़ से शुद्ध हो गया। परमेश्वर आज रात नहीं चाहता है कोई भी शुद्ध रहे, परमेश्वर चाहता है हर एक जन पवित्र रहे। वह शुद्धता से पवित्रता में कब प्रवेश हुआ? वह शुद्धता से पवित्रता में तब प्रवेश हुआ जब नामान ने घोषणा की, अब मैं जान गया हूं कि पूरे पृथ्वी में इसराइल छोड़ और कोई किसी का प्रभु है ही नहीं। तब नामान शुद्धता से पवित्रता में प्रवेश कर दिया। हालेलुया। पहला सेवक, चुना हुआ सेवक, दूसरा सेवक, चुनौती वाला सेवक, तीसरा सेवक, हा हा, सबसे ग्रेट गेहाजी। गेहाजी जब 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी उत्तम वस्त्र रख दिया, इसकी धड़कनें बढ़ गई। अटलू बधु, इसकी धड़कनें बढ़ गई। एलिशा ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, मैं जिसके सन्मुख खड़ा रहता हूं। एलिया ने एलिशा को एक बात सिखाई और वो बात यह थी, प्रभु के सन्मुख खड़ा है रोना। दो गुना अभिषेक ऐसे नहीं मिलेगा, दो गुना अभिषेक हाथ रखकर नहीं मिल सकता है, दो गुना अभिषेक उपास प्रार्थना से नहीं मिल सकता है, दो गुना अभिषेक प्रभु के सन्मुख खड़े रहने से जरूर मिलेगा। स्टैंड बिफोर द लॉर्ड, उससे कहा। एलिया ने उसको वही बात सिखाई थी और एलिशा ने वही बात सीखी, यहोवा की जीवन की शपथ, मैं जिसके सन्मुख खड़ा रहता हूं, नामान एक दमड़ी नहीं लूंगा, गेट आउट, निकल जा यहां से। गेहाजी कैसा पास्टर है मेरा,
घर पे आई हुई रकम को ठुकरा दिया। एलिशा आराम कर रहे थे और नामान भेंट वगैरह पैक करके चले गया। गेहाजी ने देखा एलिशा नबी सो रहे हैं और वो 350 किलो चांदी, 70 किलो सोना, 10 जोड़ी उत्तम वस्त्र के पीछे भागा भागा भागा। यस, परमेश्वर का राज्य ढूंढ, ये सारी बातें तेरे पीछे दौड़ेगी। तो अपना राज्य ढूंढेगा तो तुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा। चुनाव आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। रुक रुक रुक, नामान को बोला ताम क्या हो गया? हाँ, प्रभु के घर नबी आए हैं, 35 किलो चांदी दे दे। नामान कहता है 70 लेकर जा। क्यों? गेहाजी ने 35 मांगा क्योंकि वो उतना ही उठा सकता था। हाँ, उतना ही उठा सकता था। तो जब उससे कहा 70 लेके जा, तो गेहाजी कहता और एक आदमी दे मेरे घर पर रखने के लिए। पहला सेवक, चुना हुआ सेवक जो मार्ग दिखाएगा किधर काम होगा। दूसरा सेवक, चुनौती वाला सेवक, कैसा भी काम करके आएगा। और तीसरा सेवक, गेहाजी जैसा सेवक, चुना लगाने वाला सेवक। चुने हुए, चुनौती वाले और चुना लगाने वाले। प्रभु का नाम और मेरा काम। कोड लग गया गेहाजी को, उसके और उसके वंश को कोड लग गया। बोनस मिला उसको, बोनस। क्यों? एलिशा ने पूछा किधर गया था? वो कहता मैं तो इधर ही खड़ा था। तब एलिशा ने एक बहुत अद्भुत लाइन लिखी। इंग्लिश बाइबल सेज व्हेन यू वेंट माय स्पिरिट वाज विथ यू। जब तू गया मेरी आत्मा तेरे संग थी। प्रियो ध्यान से सुन लेना, पास्टर साहब को लंबे समय टोपी नहीं लगा पाओगे, फंस जाओगे। लंबे समय पास्टर को तुम टोपी नहीं लगा पाओगे, आज न कल फंसी जाओगे। उससे अच्छा सीधा काम करो, बच जाओगे, बच जाओगे। हालेलुया। तू क्यों ये सब कुछ लेकर आया? हा, क्योंकि गेहाजी समय से पहले धनवान होना चाहता था। गेहाजी समय से पहले धनवान होना चाहता था। क्यों? एलिशा उसको कहते हैं तू ये सब लाया दाख की बारियां खरीदने के लिए, जैतून की बारियां खरीदने के लिए, दास और दासियां खरीदने के लिए, गधे और गधियां खरीदने के लिए। गेहाजी तू समय से पहले धनवान होना चाहता है। ध्यान से सुन ले, उस धन के साथ तुझे एक बोनस मिलेगा। और बोनस ये है कि नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को लग जाए। समय से पहले धनवान होने की कोशिश कभी मत करना। प्रभु अपने समय पर सब कुछ करके देगा, प्रभु अपने समय पर सब कुछ करके देगा। तो आज रात चुनौती है, चुने हुए बनोगे, चुनौती वाले बनोगे या चुना लगाने वाले बनोगे? सोच लो। सभा समाप्त कर दो। हाँ नहीं, सोच लो आज क्या करोगे। दूत प्रचार नहीं करेगा, पौलुस तुझे ही प्रचार करना पड़ेगा। और पौलुस कहता अब मैं तुरंत उठकर जाऊंगा। जब प्रभु रोकता है तो रुक जाना। एजिकियल को क्या किया? एजिकियल को इसराइल के लिए बहुत सारी चेतावनी दी, लेकिन प्रभु ने कहा एजिकियल रुक, मैं तेरे साथ एक काम करूंगा। क्या करूंगा? तेरी जुबान को तेरे तालू से चिटका दूंगा, तू बोली नहीं पाएगा। क्यों? अगर तू बोलेगा तो मेरे लोग मन फिराव करेंगे और मैं नहीं चाहता हूं मेरे लोग ऐसा करें। एजिकियल को भी प्रभु ने रोक दिया। एलिया को भी प्रभु ने कहा छिप जा, छिप जा। ये समय है छिपने का, ये समय है रुक जाने का, ये समय है अपने आप को संभाल लेने का। उसके बाद 3 साल बाद प्रभु एक बहुत बड़ा उत्तम समय कलीसिया के लिए ला रहा है। लेकिन अब समय रुकने का है, अब समय थामने का है, अब समय छिप जाने का है। डर के कारण नहीं,
सामर्थ पाने कार्य के नहीं। गेतसेमनी ने उससे कहा यह प्याला हट जाए, यह प्याला टल जाए। हटा नहीं, टाला नहीं, परमेश्वर ने दूत भेजा और यीशु की ताकत बढ़ाता गया, यीशु की ताकत बढ़ाता गया। ये समय है, परमेश्वर मेरी और आपकी ताकत को बढ़ाना चाहता है। और जो अपने को छिपा कर रखेगा, जो अपने आप को शांत करके रखेगा, यहोवा उसकी ताकतों को जरूर बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस तुरंत निकल जाता है और वह पहुंचता है मकदूनिया। वहां ना उसका स्वागत है, ना प्रभु ने किसी के मन को उबारा कहने के लिए देख मैंने मेरे दास को भेजा है। मैंने सुबह ही कहा फूल गर्मी के कारण सूख गए थे, लेकिन आपका मन ताजा था, आपका मन ताजा था। धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। कोई स्वागत नहीं, कुछ भी नहीं। कितनी बार हमको बुरा लग जाता है कलीसिया में, कितनी बार हमको बुरा लग जाता है, आपको मान सम्मान शायद कम मिला हो। चुपचाप रहो, तेरा आदर यहोवा जानता है। तेरी गवाही वहां से आने दे, तू अपनी गवाही मत बना, तू अपनी गवाही मत बना। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने एक चिन्ह रखा और वो था सबात का चिन्ह। और कहते सबात के दिन कोई ना कोई तो मिलेगा, दर्शन में पुरुष दिखा। प्रभु ने मार्ग खोला और फिर वो जब नदी किनारे पहुंचता है, स्त्रियों का एक झुंड बैठा था। पौलुस कहते यार दर्शन में तो पुरुष दिखा, यहां तो स्त्रियां है। जो भी काम मिले करते जाओ, जो दर्शन दिखाया और दर्शन की प्राप्ति के बीच की यात्रा प्रभु कभी नहीं बताएगा। कितने जन तैयार है चलने के लिए? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि आप सबको पहले से ही मालूम होना चाहिए था। पहले से मालूम होता तो सबसे पहला काम आप कभी शादी नहीं करते थे। पहले से मालूम होता हम जितने भी यहाँ सेवक बैठे कोई मिनिस्ट्री में आते ही नहीं थे, हम जरूर बिजनेस में जाते थे। हालेलुया, प्रभु पहले से कुछ भी नहीं बताएगा। और वहां लिदिया नामक एक स्त्री थी और प्रभु ने उसके मन को खोला और लिदिया ने पौलुस के वचन पर चित लगाया। प्रभु मार्ग को खोलता है, प्रभु मनों को भी खोलता है। हालेलुया, मार्ग को भी खोलता है, प्रभु मनों को भी खोलता है। और प्रभु ने लिदिया का मन खोला और लिदिया ने पौलुस के वचन पर चित लगाया। चित लगाने के बाद लिदिया और उसके घराने और लुदिया थुआथिरा की थी। और मैंने सुबह बताया जिस कलीसियाओं को पत्र लिखे गए प्रकाशित वाक्य में, उसमें से एक कलीसिया थुआथिरा की थी, यानी कि लुदिया के द्वारा वो कलीसिया स्थापित हुई थी। हालेलुया, प्रभु ने छोटे कामों में ही बड़े कामों का रहस्य छिपा कर रखा है। लेकिन छोटा काम बहुत जन काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर छोटे काम में वफादार ठहरोगे तब जरूर प्रभु बड़ी जिम्मेदारियां देगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने लिदिया का मन खोला, लिदिया ने उसमें वचन पर चित लगाया और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। और फिर लिदिया ने उनसे विनती की, पौलुस प्लीज आप हमारे घर पर रह जाइए, अगर तू मुझे विश्वासिनी समझता है। यानी कि लिदिया का मन कितना अच्छा था, उसने अपना न्याय पौलुस के हाथ में सौंपा। तू मेरा न्याय कर, अगर मैं सच्ची विश्वासिनी हूं तू मेरे घर पर जरूर ठहरेगा। प्रभु मार्ग को खोलता है, प्रभु मनों को खोलता है और प्रभु मेरे और आपके लिए घरों को भी खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये सुबह तक था, अब शाम की रोटी शायद तैयार हो रही है। हालेलुया, आमेन। प्रेरित 16:16, जब हम प्रार्थना करने की जगह को जा रहे थे तब एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ये जवान लड़की थी और उसके जीवन में भावी कहने की दुष्ट आत्मा थी
और भावी कहकर भविष्य बताकर अपने स्वामियों को बहुत कमा कर देती थी। आज रात आपके जीवन में कितने स्वामी है? हम कभी कभी थोड़ा इधर भी और थोड़ा उधर भी चलते हैं। दो नाव में अगर पैर रखा है किनारे तक तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जैसे ही नावें आगे बढ़ती जाएगी तो फटकर मेढक बन जाओगे, फटकर मेढक बन जाओगे। कुछ लोग हैं जो प्रभु में रहकर भी अभी भी अंधविश्वास में मानते हैं, प्रभु में रहकर भी अंधविश्वास में मानते हैं। अभी भी घर पर कौवा काँव काँव करे, आप बोलेंगे वो मेहमान आवाना छे, वो मेहमान आवाना छे। अभी भी दांतों के बीच जुबान आ जाए खाते वक्त, ओह किसी ने गाली दी है, तेरे काम ऐसे है तो लोग गालियां देंगे, तेरे काम ऐसे तो लोग गालियां देंगे। हाँ बहुत बार आपको लगता है हाक्षी, अरे तू नहीं जा बेसी जा, हाक्षी हाक्षी जल्दी चाली हो जा सारो दिवस जैसे। हाँ हाँ अभी तक कितनी बार आपको लगता है नीम के पेड़ के नीचे से नहीं जाने का, नहीं तरी चुड़ैल पकड़ लेगी। अयो है ना, मैं मेरे पापा के साथ जा रहा था, कल मैंने उदाहरण दिया था, कुत्ते चिल्ला रहे थे चुप, कुत्ते को बोला, पापा ने बोला कभी कुत्तों को डांटने का नहीं, क्यों, जो गए जन्म में राजा होते हैं वो इस जन्म में कुत्ते बनते। अयो बहुत खतरनाक है ना, जो गए जन्म में राजा होते इस जन्म में कुत्ते बनते। मेरा नाम नरेश है, नरेश का अर्थ भी राजा है, मतलब ना पिछला जन्म था ना अगला जन्म है, हम एक की बार जन्म लेते हैं उसके बाद मृत्यु और न्याय है, ना सात जन्म रहेगा। एक ही जीवन दिया है, वो यीशु मसीह के लिए है, वो मेरा और आपका उद्धार करता है। एक ही आसमान है, एक ही जमीन है, एक ही स्वर्ग है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही के द्वारा हम पिता के पास पहुंचाए जाते हैं और उसका नाम यीशु मसीह है। कितने स्वामी है आपके जीवनों में, कितने स्वामी है आपके और मेरे जीवनों में? स्वामी एक ही चाहिए। क्रोध आपका स्वामी है, लालच आपका स्वामी है, वासना आपका स्वामी है, स्वार्थ आपका स्वामी है, कौन आपका स्वामी है? आज एक ही स्वामी चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। ये लड़की के जीवन में प्रॉब्लम था, बहुत सारे स्वामी थे, हमारे रब का स्वामी एक ही होना चाहिए, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और कोई स्वामी नहीं चाहिए। अगर आज दूसरा स्वामी है यहीं छोड़कर जाना, यहीं छोड़कर जाना, जब अंत में प्रार्थना होगी एक ही स्वामी एक ही उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। किसी किसी का स्वामी पैसा छे, पैसा है ना, पैसा दोस्त, कफन में और कब्र में ना जेब है ना तिजोरी है, कफन में ना खबर में ना ते ना जेब है ना तिजोरी है, सब यहीं छोड़कर जाना है। हाँ इसलिए अय्यूब ने कहा नंगा ही आया था नंगा ही लौट जाऊंगा, नंगा ही आया था नंगा ही लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया यहोवा ने लिया। कितने जनों का स्वामी पैसा छे? हाँ पैसे के बिना आपका चलता ही नहीं है, है ना, पैसा। हाँ ना ध्यान से सुनना, ये कितने की नोट है? हाँ भीड़ से बताओ, कटलानी नोट चा, चलो चमत्कार हुआ, आँख खुले खुल गई, 500 नी नोट छे। ये नोट तभी चलेगी जब दोनों तरफ छपी है, अगर एक तरफ से छपी है तो इसको नकली नोट कहते हैं। कौन सी नोट कहते हैं? नकली नोट। तो एक आदमी था, चुटकुला ये, उसको नकली नोट छापने का काम था, तो उसने गलती से 30 रुपये की नोट छाप दी,
30 रुपये की। अरे बोले तो गलती हो गई, और बहुत सारी नोट छाप दी 30 रुपये की। बोले शहर में तो चलेगी नहीं, गांव में चला लूँगा। वो गांव में गया, 10-15 दिन घूमा, उसने आइडिया लगा कहाँ से नोट का चलन शुरू होगा। तो उसको चाय वाला मिल गया, चाय वाले से उससे दोस्ती की, वहाँ चाय पीना शुरू किया, रोज के पैसे देते गया। फिर अब वो बोलता है 15 दिन से अच्छी पहचान होगी, आज से नोट का चलन शुरू करना है। चाय पीने के बाद उसने दुकानदार से कहा, भाई 30 रुपये की नोट का छुट्टा है क्या? चाय वाले ने बोला, है ना, 2 15-15 की चलेगी। नकली नोट। हमार आप जहां तक पैसे का सवाल है, एक तरफ से छपे हुए हैं। खुदा को बोलता रहता है, प्रभु बस देते जा देते जा देते जा, लेने का नाम मत लेना, लेने का नाम मत लेना। हम सबको दोगुना मिल जाए ये हमेशा मन में रहता है, दोगुना अभिषेक मिल जाए हमेशा मन में रहता है। एक छोटा सा उदाहरण, विजय भाई और मैं अच्छे मित्र हैं, उनके यहाँ रह रहे, मेरी अच्छी देखभाल कर रहे। विजय भाई का मैं सपोज पड़ोसी बन जाता हूँ, वो बहुत सीधे हैं, मैं कैसा हूँ आप तो पहचान गए होंगे। अच्छा हूँ, आडो मानस छू, हाँ आप लोग पहचान गए होंगे। विजय भाई एक सोफा लेकर आता है, मैं 2 लेकर आता हूँ। वो एक टीवी लेकर आता है, मैं 2 लेकर आता हूँ। वो एक अलमारी लेकर आता है, मैं 2 लेकर आता हूँ। ये जो भी लेकर आता है मैं 2 लेकर आता हूँ। बेचारे परेशान हो जाते, वो जंगल में चले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए कि प्रभु इस आदमी से मुझे छुटकारा दे। अब मैं देखता हूं विजय भाई दुआ करने गए, मैं भी घर बंद करके जंगल में जाता हूं, वो जहां से खड़े हैं 100 फीट दूर, मैं भी दुआ कर रहा हूं, राबाशी की या ना ना ना, वो जैसे दुआ कर रहे, दुआ करो, स्वर्गदूत हाजिर। विजय भाई को पूछता है, बोलो आपको क्या चाहिए? विजय भाई कहते हैं, मेरी एक आंख, मेरा एक हाथ, एक पांव खराब कर दे। दूध बोलता है, जा तेरी प्रार्थना सुन ली। अभी दूध देखता है मैं खड़ा हूं, वो मेरे पास आता है, पूछता है तुझे क्या चाहिए? मैं बोलता हूं, जो विजय भाई ने मांगा उसका 2 चाहिए। इंसान कहीं का नहीं रहेगा, इंसान कहीं, ये दोगुने चक्कर में कितने जन बर्बाद हो गए हैं। जो दिया गया है उसी से संतुष्ट रहे, जो दिया गया है उसी से संतुष्ट रहे। हालेलुया। योना की सेवका यीशु मसीह से पहले शुरू हो गई, योना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, हाँ, और योना के कुछ चेले यीशु के टीम में चले गए, और योना के चेलों को बुरा लग गया, उन्होंने जाके योना से शिकायत की, योना क्या है, आपड़ा लोग को वहां चल लिया गया। समा भाई सुखो, आपड़ा लोग को वहां चल लिया गया, अपने चेले योना यीशु के पास चले गए। अरे योना बोलता, बीपी मत बढ़ा, आईसीयू में जाएगा, बीपी मत बढ़ा, आईसीयू में जाएगा। और योना ने एक लाइन लिख दी ताकि ये दो गुने के पागलपन से हम निकल जाए, ये 2 गुना पाने के पागलपन से हम निकल जाए। योना ने एक लाइन कही, योना ने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए उसे कुछ भी नहीं मिलता है। हालेलुया। जो कुछ आपके पास और मेरे पास है वह स्वर्ग के परमिशन से ही आया है। तो 2 गुने की चक्कर में मत रहो, दुआ करो। आप बड़े और हम घटे का अर्थ क्या है? आप बड़े और हम घटे का अर्थ यह है, जो स्वर्ग से है वही मुझे मिले, वो उसका अर्थ है कि प्रभु आप बड़े और हम घटे। हालेलुया। कितने स्वामी है आपकी जिंदगी में आज, कितने स्वामी है आपकी जिंदगी में आज। कितनी बार हम शपथ खाकर कसम खाकर फिर गए हैं, कितनी बार वादा करके हम फिर गए, क्यों? क्योंकि झूठ आपका स्वामी है, फरेब आपका स्वामी है, दोगुना जीवन आपका स्वामी है, डोगलापन आपका स्वामी है, लालच आपका स्वामी है, वास्ता आपका स्वामी है। व्हाट्सएप फेसबुक आप शुरुआत करते हैं,
उसके जैसे आप शुरुआत करते हैं उस पे आता है पावर्ड बाय मेटा, मेटा M-E-T-A, मेटा उसको शुरुआत करता है। और मेटा का अर्थ है डेड बॉडीज, मरे हुए लोग। जितना ये मोबाइल से जुड़े रहोगे, मरे हुए लोगों से जुड़े रहोगे। हाँ हाँ, हम बलारशा गए थे, बलारशा अच्छी मीटिंग। एक विश्वासी आया विजय भाई, बोले नरेश भाई मेरे छुटकारे की दुआ कर। अरे तेरे को कौन सी दुष्ट आत्मा पकड़ी? बोले नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बोले जब तक मोबाइल टॉयलेट में लेके नहीं जा रहा हूँ काम नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, बताओ कौन से स्वामी है आपकी लाइफ में? सोच लो। एक स्कूल टीचर थे, कोई टीचर होगा क्षमा कीजिए आपके बारे में नहीं बता रहा हूँ। एक स्कूल टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। वो गए स्कूल में, मुझे फ़ोन किया, नरेश भाई ग्रामर का ये क्या है? मैंने ग्रामर का ये समझा दिया। एक कलाक पची पाछो फोन, ग्रामर नु आंसू, मैंने बोला ये है। डेढ़ घंटे बाद वापस फोन, ग्रामर का ऐसे रे सैलरी तू ले रहा है, काम मेरे से करा रहा है, ऐसे कैसे? बोले आज मन नहीं लग रहा है। क्यों? मोबाइल घर पे छूट गया। कौन सा स्वामी आपके जीवन में है? हाँ, बहुत दिन पहले एक टीवी सीरियल आती थी। मारो टाइम कटला सुधी छे साहेब? चालू राखू सवारा दस वागा सुधी। अरे सवारे दस वागा सुधी तमें बेस जो, मैं तो चालियो जाई। हालेलुया। बहुत दिन पहले एक टीवी सीरियल थी, ये मेरा फेवरेट उदाहरण है स्वामियों के लिए। और वो टीवी सीरियल थी क्या हुआ आ पाड़ो को छे जो आ पाड़ो को हा? क्या हुआ तेरा वादा। ये सीरियल में प्रदीप नाम का आदमी है, उसकी शादी मोना नाम से लड़की से हुई है और उसको दो बच्चे हैं। अभी कोई प्रदीप मोना होगा आपके लिए ये नहीं है, हाँ नहीं तो काले लफड़ा में फंसा। और प्रदीप जिस ऑफिस में काम कर रहा है वह अनुष्का नाम की एक लड़की है और उसकी दोस्ती अनुष्का के साथ हो जाती है। तो मैं तो ये सीरियल देखता नहीं, मेरी वाइफ कभी कभी देखती है। मैं उस दिन सुबह टूर करके घर पे पहुंचा था, वो शाम को ये सीरियल शुरू हुई। नरेश तू आकर देख, हम पति बड़े अधीनता के हैं। मैं फट से गया बैठने के लिए और मैंने क्या देखा कि उस शाम को जब मैं देखने बैठा था, प्रदीप मोना के पास आया था और मोना ने उसको पूछा, मोना तूने हमसे प्यार की, शादी किया, हमें दो बच्चे भी हैं। प्रदीप कहता है सही बात है, शादी की, दो बच्चे भी है, फिर तू बचा, बता अनुष्का के पास तू क्यों जाता है? और दो बचकुंडे बच्चे भी बोलते, पापा बोलो ना, पापा बोलो ना। फिर प्रदीप का जवाब सुन लो। प्रदीप ने कहा, मोना सच बात है, हमने आपसे प्यार भी किया, शादी भी की और दो बच्चे भी हैं, लेकिन मोना मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोल क्या? मोना मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, अनुष्का के बिना रह नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, हंसो छोने, कटला जन संडे बराबर बकरी ना माफक दांत साफ करीने आवे एकदम चकाचक, अने मंडे पाड़क साहेब ने मार्केट में मड़े। पाड़क साहेब काय? पाड़क साहेब बोलो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, जोरती बोलो प्रेज द लॉर्ड। हूँ केवी ते प्रेज द लॉर्ड कहीस मंडे? प्रेज द लॉर्ड। संडे कहना चाहता हूं प्रभु तेरे बिना जी नहीं सकता, और मंडे को कहना चाहता हूं इसके बिना रह नहीं सकता। सुबह उठकर रे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, रात को जब मिले तीन यार, हाँ हाँ, सुबह तेरे बिना जी नहीं सकता
रात को टॉनिक के बिना रह नहीं सकता। कितने स्वामी है मेरे और आपकी जिंदगी में कि उसके बिना जी नहीं सकते और इसके बिना रह नहीं सकते। एक ही स्वामी है जो विश्राम देता है, बाकी लोग सिर्फ आराम देते हैं। यीशु मसीह आराम देने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह विश्राम देने के लिए आया है। हालेलुया। कितने स्वामी हैं आपकी लाइफ में आज, एक ही को पकड़ कर रखना, बाकी को आज छोड़ कर जाना। एक ही स्वामी, एक ही उद्धारकर्ता का, एक ही मध्यस्थ, एक ही बाप के पास पहुंचाता है, और एक ही है जो पर्दे के पीछे लेकर जाता है, और यीशु मसीह जो हमारा आशा का लंगर है, जो हमको पर्दे के पीछे लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने स्वामी है आपकी लाइफ में सोच लो। और ये लड़की अपने स्वामियों को बहुत ही पैसा कमा कर दे रही थी। पौलोस और सिलास रोज वहां से निकल रहे थे, वो पौलोस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी और क्या गवाही दी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास जो हमें उद्धार की मार्ग की कथा सुनाते हैं। प्रभु मार्ग को खोलता है, प्रभु मनों को खोलता है, प्रभु घरों को खोलता है, और सर्वत प्रभु मेरी और आपकी गवाहियों को खोलता है। He opens up our testimony. मुझे मेरी गवाही देने की जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा ने पौलुस की गवाही दी, हे मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। एक चीज से शैतान डरता है, वो है उद्धार की कथा से। वो है प्रभु यीशु मसीह को जो भी ग्रहण करेगा नया जीवन पाएगा, और वो उस बात से बहुत ही डरता है, बाकी कोई बात से वो डरता नहीं है। आज अगर शैतान को हराना है, उद्धार की कथा सुनाते रहो, उद्धार संभाल के रखो, उद्धार में बने रहो, उद्धार की बातें करते रहो। क्या मेरे और आपके परिवारों का उद्धार हुआ है? मेरे और आपके बच्चे कलीसिया में आते हैं या यीशु किधर छूट गया है सोच लो। और उससे गवाही दी परम प्रधान की, परमेश्वर की कथा तुम सुनाते हो। परंतु पौलुस ने दुखी हुआ, ध्यान से सुनना, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाए पौलुस के समान छुटकारा करना। पौलुस मूव्ड इन कंपैशन, उसने दुख के साथ उस लड़की का छुटकारा किया। बड़े दुख के साथ उसने उसको कहा, दुखी होकर मुड़कर आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं उसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। नाउ वापस दर्शन की ओर लेकर आता हूं। दर्शन में पुरुष दिखा था, अब अभी तक पौलुस की मार्ग में सिर्फ स्त्रियां ही है। अभी तक पौलुस के मार्ग में सिर्फ स्त्रियां ही है, अभी तक वो पुरुष आया नहीं है। हालेलुया। और जब उसके स्वामियों की कमाई चली गई, उन्हें क्या किया, कंप्लेन की, और फौजदारों को लेकर आया, सैनिकों को लेकर आया, और बाइबल लिखती है पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़ दिए और बहुत भेद से मारते गए, मारते गए, मारते गए। पौलुस सोचता है दर्शन क्या देखा था और हो रहा है क्या, दर्शन क्या देखा था और हो रहा है क्या। ध्यान से सुनना, परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचाने के लिए मार्ग सकरा रहेगा, मार्ग सकरा रहेगा, आसानी से इतना नहीं होने वाला है। हालेलुया। कितने जन चलने के लिए तैयार है? यस। वो पूरी कहानी कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, इसलिए सुबह जैसे बताया रात को वापस बताता हूं। वो प्रतिदिन की ही रोटी देगा। हम अनाज साल भर का भर ले वो बात अलग है, लेकिन रोटी तो रोज की चाहिए। साल भर का अनाज खा लो, देखो किधर जाओगे। ट्राई कर लो साल भर का अनाज खाने के लिए,
किधर जाओगे देख लो, दिन भर की रोटी ही दी है, भले अनाज साल भर का भर लो, रोटी तो दिन भर की रहेगी। अब सोच लो, पौलुस कह रहा है प्रभु दर्शन में तो पुरुष दिखाता, आकर हमारी सहायता कर, यहाँ तो बेंत खा खा कर कमर सूज गई, पीठ फट गई, कपड़े से हम वंचित हो गए, अब दरोगा के हाथ में सौंपा। और ध्यान से सुनना, दरोगा को क्या कहा, इनको संभाल, कोठरी में रख। और कौन सी कोठरी में रखा, भीतर की कोठरी में रखा, और उनके पांव को काट में ठोक दिया। कितने डरते हैं लोग हमसे। कितने डरते अपने से। कोठरी के बाहर वाली कोठरी नहीं, एकदम अंदर नी कोठरी, एमा भी पग लाकड़ा में ठोकी दीदा। कटलो डर छे। सॉल दाऊद के पीछे क्यों पड़ा था, ध्यान से सुनना। आज बहुत बड़ी मजा आने वाली है, क्योंकि भाई ने कहा आज बहुत मजा आने वाली वचन में। किधर है आराधक? अरे चश्मे में तो और हैंडसम दिख रहा। हालेलुया। सॉल दाऊद के पीछे क्यों पड़ा, इसके लिए नहीं वो दाऊद को डराए, क्योंकि वो दाऊद से डरता था इसलिए उसके पीछे पड़ा था। आज डरते इसलिए पीछे पड़े। अपना काम जारी रख दोस्त, अपना काम जारी रख, प्रभु उत्तर देता जाएगा। और उसको भीतरी कोठरी में काट में ठोक कर उसके पांव को रख दिए। हालेलुया। और मध्य रात्रि जब नींद उड़ जाए, टीवी का रिमोट मत ढूंढना, है ना। बहुत बार आपकी रात को मध्य रात्रि नींद उड़ जाए तो आप बोलेंगे चलो ना टीवी में एक प्रोग्राम जो लो, तारक मेहता ने, है ना, तारक मेहता ने जो लो, है ना। मध्य रात्रि बेत खाने के बाद दर्शन न पूरे होने की चिंता में भावी कहने वाली की गवाही, वहां लुदिया का मन खोल दिया, मार्ग को खोल दिया, घर को खोल दिया, गवाही को खोल दिया। वो पुरुष किधर है, जेल में मिल गया, जेल में। मध्य रात्रि ऊंची आवाज से वो स्तुति आराधना करने लगे और सारे कैदी सुन रहे थे। आपकी आराधना में इतनी ताकत प्रभु पैदा करे, जो भी कैदी है वो सुनना शुरू करे, जो भी पाप के कैद में है, अंधविश्वास के कैद में, जिनके जीवनों में बहुत सारे स्वामी हैं, वो आपकी मेरी आराधना से छुटकारा पाना शुरू करे। हालेलुया। और जब वे ऊंची आवाज से आराधना करने लगे, बंदीगृह जेल की नींव हिल गई, सबके दरवाजे खुल गए, सब कैदी के जंजीरें भी खुल गई, और दरोगा सोया था। वेरी इंटरेस्टिंग, जिसे जागना चाहिए वो सो रहा था, और जिसको सोना चाहिए थे वो जाग रहे थे। आज भी यही हालत है। प्रभु हमको कह रहा है जाग कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, अपन तो यहां भी सोते हैं, घर पे भी सोते, और संसार बराबर अपना गेम करके जा रहा है, संसार बराबर अपना गेम करके जा रहा है। अब जब पवित्र आत्मा काम करती है, ध्यान से सुनना, जंजीरें खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए, नींव हिल गई, और दरोगा को लगा सब भाग गए हैं। जब पवित्र आत्मा काम करती है, अनुशासन बना रहेगा, कभी भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। अनुशासन बना रहेगा, कभी भी गड़बड़ी नहीं रहेगी। तालियों से धन्यवाद दे कि पवित्र आत्मा का कार्य अनुशासन से होता है, गड़बड़ी से नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। और दरोगा तलवार लेकर अपने आप को मारना चाहता था। पौलुस ऊंची आवाज से चिल्ला उठा, अपने आप को मत मार, हम सब यही हैं। बोलो हम सब यही हैं, हम सब यही हैं, हम सब यही हैं। हमको प्रभु ने यहां रखा है कि कोई आत्महत्या ना करे, वो अपने प्राण अपने हाथों में ना ले, लेकिन अपने प्राण को यीशु मसीह को सौंपे। हम सब यही हैं। हालेलुया। और वो लपक कर उनके पांव के पास जाकर गिरा।
हिंदी बाइबल में लिखती है, दरोगा ने पौलुस और सिलास से कहा, सज्जनों उद्धार पाने के लिए क्या करूं। इंग्लिश बाइबल लिखती है, सर्स व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट द सैल्वेशन ऑफ गॉड। मराठी बाइबल में लिखा है, महाराजा अगर मैं और आप पौलुस की जगह होते तो क्या बोलते, हाँ पहले मेरे से माफी मांग। पहले मेरे से माफी मांग, बाद में उद्धार की बात करेंगे। दर्शन है क्या, स्वामी कौन है? पौलुस के जीवन का स्वामी यीशु मसीह था, और उसके मालूम है प्रभु ने इसको क्षमा कर दिया। वो मुझसे क्षमा मांगे या ना मांगे, सेकेंडरी इश्यू। हालेलुया। पौलुस से कहा, तू अपना जीवन प्रभु को सौंप, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और वो रात्रों को ही उनको घर पे लेकर गया, और दरोगा के पूरे घराने ने अपना जीवन प्रभु को दिया और बपतिस्मा लिया। और उन्होंने, कैन वी हैव द कीबोर्ड्स, उन्होंने पौलुस और सिलास के घावों को धोया। पौलुस और सिलास के घावों को धोया। हाँ कौन से कीबोर्ड वगैरह वालों जरा आ जा भाई। हाँ दुआ करते हैं कि इस कलीसिया को प्रभु जो भी यहाँ आए हैं सक्षम बनाए लोगों के घावों को धोने के लिए। घावों को बढ़ाओ मत, घावों को बढ़ाओ मत, लोगों के घाव को धो। बहुत घायल लोग हैं, कोई के अंदर में घाव है, किसी ने दगा किया, किसी ने धोखा किया, किसी ने छल किया, किसी ने कपट किया, किसी ने प्रेम में धोखा दिया, किसी ने पैसे में बेईमानी की, किसी ने परिवार वालों ने ही उसकी आत्महत्या करके ख़त्म कर दिया है। लोग बहुत सारे घाव वाले हैं, और दुआ करते हैं कि ये कलीसिया को प्रभु खड़ा करे यहाँ के लोगों के घावों को धोने के लिए। हालेलुया, घावों को धोने के लिए। और से पौलुस सिलास के घाव धो दिए। और ध्यान से सुनना, और ये दरोगा ही एक आदमी था जो उस दर्शन में प्रभु ने पौलुस को उसके पास भेजा। दर्शन में एक पुरुष दिखा, और इस अध्याय के अंत तक वो एक पुरुष उसको मिल जाता है। दिखा हुआ दर्शन और पूरा होते हुए दर्शन के बीच की यात्रा बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर स्वामी एक है, कितनी भी यात्रा कठिन हो हम पार निकल जाएंगे। स्वामी एक चाहिए तब हम पार निकल जाएंगे। हाँ आज हमारा जीवन प्रभु को सौंपते हैं। क्या दर्शन दिया है प्रभु ने हमको और आपको इस गांव के लिए, क्या कार्य सौंपा है प्रभु ने हमको और आपको। ध्यान से सुनना, वो विधवा थी, नबी उसका मर आदमी नबी था, मर गया, कर्जा करके मर गया था। कर्जदार रोज आकर पैसे मांगता था और कहा, पैसे देने थे तेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर लेकर जाऊंगा। वो दुहाई देते हुए एलिशा के पास गई, एलिशा एलिशा। एलिशा ने बोला, क्या है? तुझे मालूम है मेरा जो पति था कर्जा करके मर गया है। एलिशा बोलते, तो मैं क्या करूं? बहुतों को लगता है चर्च में आएंगे तो पैसे मिलेंगे, क्षमा कीजिए पैसे देना पड़ेगा। मिलेंगे नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। एलिशा ने पूछा, तेरे घर के भीतर क्या है? तेरे दासी के पास एक हांडी तेल छोड़, कुछ भी नहीं है। बस से बोले, पड़ोस में जा, खाली बर्तन मांग कर लेकर आ। हम जिधर भी रहते हैं ना, आस पड़ोस के बर्तन वाकई में खाली है। हम जिधर भी रहते हैं आस पड़ोस के बर्तन वाकई में खाली है। एलिशा ने कहा, उनको ला, द्वार बंद कर और अपने मटके का तेल उसमें उंडेलना शुरू कर। हम कल्पना करते हैं, इस माँ विधवा को दो बेटे थे, राजू और सनी, उदाहरण के लिए, समझ के लिए। बर्तन जल्दी से नहीं मिल गए। जिस घर में गए उन्होंने सुना था इसके घर पर आदमी पैसा मांगने आता है। बोला, 5 बजे तक अगर तू नहीं लौटाई
तेरा सब हम बेच देंगे, प्लीज दे दीजिए। बड़ी कठिनाई से बर्तन लेकर आई, द्वार बंद किया, कल द्वार बंद करने पर हम आएंगे, कल हम द्वार बंद करने पर आएंगे। हालेलुया। द्वार बंद करके तेल उंडलना शुरू किया। राजू सनी तेल उंडलते गए, मम्मी सबके बर्तन भरते गए हैं और अभी भी अपने हंडी का तेल उतना ही है। फिर मम्मी ने कहा राजू और एक बर्तन ला, और जब राजू ने कहा मम्मी बर्तन नहीं है, तब तेल बहना रुक गया। ध्यान से सुनना, अगर मैं सोनगढ़ तक की यात्रा मांगू, सोनगढ़ तक का तेल मिलेगा। मैं सोनगढ़ व्यारा नवापुर मांगू, प्रभु सोनगढ़ व्यारा नवापुर का तेल देगा। हम जहां से मांगेंगे वहां तक का तेल देगा। तू देश देश को मेरे पास से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। आज रात सीमा रेखा परमेश्वर की ओर से नहीं है, सीमा रेखा हमारी ओर से है। लेकिन आज सीमा रेखाएं तोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु एक स्वामी है तो सारे दर्शन पूरे हो जाएंगे, एक स्वामी है तो सारे दर्शन पूरे हो जाएंगे। आज वो एक स्वामी को बड़ी जगह दे देते, उस स्वामी को मुख्य स्थान दे देते और संदूक को यर्दन के बीचों बीच रखा, तब वो पार निकल गए। प्रभु को बीचों बीच रखो, पार निकल जाओगे। प्रभु को साइड में मत करना। दो स्वामी है क्या? इसके बिना जी नहीं सकता और उसके बिना रह नहीं सकता। अपनी आंखें बंद करें। Let's pray in Jesus' name. Thank you, Jesus. Amen. आराधक please lead us down. ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। शांति से गाएंगे अपने स्थान पर बैठे हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए कि यस्सु मैं तेरे दर्शन के साथ चलना चाहता हूं। उस दर्शन में दिखा कुछ और अंत में होगा दर्शन पूरा, लेकिन बीच की यात्रा में एक स्वामी चाहिए और वह स्वामी है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब स्वामी से आज रिहाई चाहिए, बाकी सब स्वामियों से आज छुटकारा चाहिए। एक ही स्वामी द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चल मुझे ले, चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा हूं मैं, प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। हमारे जीवन का एक ही स्वामी होना चाहिए जो हमें उद्धार देता है।
चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा, मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा, मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना में करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आय प्रदाय हाथ उठाए, क्रोध मेरा स्वामी नहीं हो सकता, स्वामी नहीं हो सकता, मेरा स्वामी एक ही है प्रभु यीशु मसीह, जो आया मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिवस जी उठा, आज वही मेरे जीवन का स्वामी है। और कोई उद्धार करता नहीं है, एक ही स्वामी है। Holy Spirit, yes, वो बीचों बीच चाहिए आज। कई यीशु मसीह आपके जीवन से सरक तो नहीं गया है, Lord Jesus.
लालच के कारण दो गुने के चक्कर में कहीं यीशु मसीह सरक तो नहीं गया है। प्रभु आज बीचों बीच स्थान ले ले, मेरे विचारों के बीचों बीच तू, मेरे मन के बीचों बीच तू, मेरे परिवार के बीचों बीच तू, मेरे कमाई के बीचों बीच तू, मेरे सेवकाई के बीचों बीच तू, मेरी आराधना के बीचों बीच तू, मेरी यात्रा के बीचों बीच तू, मेरे कुटुंबियों के बीचों बीच तू, मेरे दर्शन के बीचों बीच तू, मेरे मित्रों के बीचों बीच तू। और कोई स्थान नहीं, और कोई स्थान नहीं बीचों बीच, द सेंटर प्लेस, बाकी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द रहेगी। यीशु मसीह बीचों बीच रहेगा। वो दो चोरों के बीचों बीच था, वो दो चोरों के बीचों बीच था। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, आइए उसको ढूंढते हैं, चाहत के साथ ढूंढते हैं। खींच ले मुझे, खींच ले आज प्रभु, मुझे खींच ले। ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, होली स्पिरिट मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, होली स्पिरिट ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। आज रात दर्शन प्रभु ने दिया है हर एक को, लेकिन उस दर्शन तक पहुंचने की यात्रा बहुत अलग रहेगी, और उस यात्रा को पार करने के लिए यीशु मसीह ही स्वामी होगा। तब यात्रा पूरी होगी, तब हम दर्शन के पार जाएंगे। आज हर एक दर्शन को तेरे काबू में लेकर आते, हर एक दर्शन को तेरे आज्ञा तले लेकर आते, हर एक दर्शन को तेरे वचन तले लेकर आते, हर एक दर्शन को तेरे चमत्कार तले लेकर आते, हर एक दर्शन को तेरे अभिषेक तले लेकर आते हैं। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। यस, कौन खुदा से खींच ले मुझे, तुझे खींच ले, मैं सरक गया हूं आज, खींच ले मुझे। चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। आपके परिवार वाले शायद नहीं आ रहे होंगे, दुआ करे खुदा उसको खींच के लेकर आ, दुआ उसको खींच करके लेकर आ, उनके जीवन का स्वामी यीशु मसीह बनना चाहिए। और आज रात तू उसको खींच के लेकर आएगा। हमारे परिवार उद्धार को जानेंगे, हमारे परिवार मसीह को जानेंगे। प्रभु घावों को धो दे आज रात, घावों को धो दे। और दरोगा ने पौलुस और सिलास के घाव को धो दिया। आज रात प्रभु आपके घाव को धोना चाहता है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, लेट्स ऑल स्टैंड अप, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। पोताना जी क्या प्रभुपा थे जैसे आज समय हम सेवक जन जो है, लोग हमें छोड़कर जाते हैं, हमारी बुराई करते हैं, बहुत सारे लांछन लगाते हैं। पवित्र आत्मा इन घावों को धो दे, पवित्र आत्मा इन घावों को धो दे। आज प्रजा जो खुदा बाप तेरे सन्मुख खड़ी है, इनके घावों को धो दे। छल का घाव, धोखे का घाव, बेईमानी का घाव, विश्वासघात का घाव, वो बीमारियों का घाव,
वो पकड़ का घाव, झूठे दोस्तों का घाव, नकाब पहने हुए घाव, यीशु मसीह के नाम से सारे घाव पवित्र आत्मा धो दे, पवित्र आत्मा इन घाव को धो दे, हम चंगे हो जाए, हम नई सृष्टि बन जाए, आज इन घाव को धो दे, आज इन घाव को धो दे, आज इन घाव को धो दे, हर एक घाव देखे मन के, आत्मा के, प्राण के, शब्द के, नजर के, स्पर्श के, सारे घाव को धो दे प्रभु, सारे घाव को धो दे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। यस, आज आपके मन में घाव होगा कि प्रभु मेरी सुन नहीं रहा है। आज आपके मन में घाव होगा कि खुदा शायद दूर हो गया है। आज आपके मन में घाव होगा कि मैंने जितना विश्वास किया उसके अनुसार काम हुआ नहीं। पौलुस को याद रखो, दर्शन जो दिखाता और दर्शन पूरे करने के बीच में उसने स्वामी को बदला नहीं, स्वामी को धरे रहना। अपना हाथ उठाए और कहे, यीशु तू मेरे जीवन का स्वामी है, यीशु तू मेरे जीवन का स्वामी है, यीशु तू मेरे परिवार का स्वामी है, यीशु तू मेरे उद्धार का स्वामी है, यीशु तू मेरे कमाई का स्वामी है, यीशु तू मेरे विचारों का स्वामी है, यीशु मेरी तू निर्बलताओं का स्वामी है, यीशु तू मेरी घटियों का स्वामी है, यीशु तू मेरे दर्शनों का स्वामी है, यीशु तू मेरी सेवकाई का स्वामी है। धन्यवाद तेरे खुदा बाप, आज रात तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे कार्य के लिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी होने देना। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बन्ने हाथों हलावी, प्रभु ने एक बार धन्यवाद करिया। बन्ने हाथों हलावी, ओ दे प्रभु ने उपस्थिति में ले, प्रभु ने आकर बन्ने हाथों हलावी, प्रभु नु सम्मान करो, आदर करो, तेरा गौरवी नाम ने धन्यवाद करो। अद्भुत वचन माटे, अद्भुत उपस्थिति ना माटे, देवना सामर्थ्य ना माटे, अभिषेक ना माटे, ओ हाथों हला कर प्रभु का धन्यवाद करना। ओ स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमान योग्य तेरी स्तुति हो, हालेलुया। आमीन। पोतानु स्थान ग्रहण करसो, પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો, અદ્ભુત ઉપસ્થિત Thank you.
जहां में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा, इस जहां में तेरे नाम को हर पल लेता रहूंगा। तू मेरी जान है तुझे ईमान है, तू मेरी जान है तुझे ईमान है, सारे जहां में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिनों में यहोवा सहारा तू बन गया, निर्बलता में यहोवा निश्चित तू बन गया।